संख्या में समाजवादी पार्टी में बहुत ही वरिष्ठ समाज से जुड़े हुए लोग और बहुत ही प्रतिष्ठित परिवार से जुड़े हुए लोग आज पार्टी में शामिल हो रहे हैं। सबसे पहले आदरणीय गणेश शंकर पांडे जी, पूर्व सभापति विधान परिषद रहे, आज बहुजन समाज पार्टी छोड़कर के समाजवादी पार्टी में आए हैं, मैं उनका बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। पूर्व सांसद भीम शंकर तिवारी जी उर्फ कौशल तिवारी जी, हम दोनों लोग सदन में भी रहे हैं और कई मौकों पर हम आप एक दूसरे से लगातार मिलते भी रहे, लेकिन पार्टी दूसरी थी। मुझे अच्छी तरह याद है जिस समय मेरा पहला चुनाव था और पहला कन्नौज का जब चुनाव हुआ था, आप और आपके परिवार के सब लोगों ने मिलकर के समाजवादी पार्टी की मदद की थी, गांव गांव जाकर के, घर घर जाकर के लोगों को समझाने का काम किया था। और आज हमें खुशी इस बात की कि इतना बड़ा परिवार जब हमारे साथ जुड़ गया है और इनके सहयोगी साथी सब बड़ी संख्या में आए हैं, जो आने वाले चुनाव में जिनका हमें सामना करना था, आज जब ये परिवार जुड़ गया, साथी में विनय शंकर तिवारी जी जो विधायक हैं वो भी साथ आ गए हैं, तो अब मुकाबले में समाजवादी पार्टी का अब कोई मुकाबला नहीं कर सकता। साथ ही साथ बड़ी संख्या में और साथी लोग हैं, संतोष पांडे जी, संजय दीक्षित जी, समीर त्रिवेदी जी, शिव कुमार निषाद जी, योगेंद्र शर्मा जी, जलालुद्दीन सिद्दीकी साहब जो कांग्रेस पार्टी छोड़कर के आए, मैं उनका स्वागत करता हूं, विमल दुबे जी, नाम लेना संभव नहीं है क्योंकि जितने लोग यहां बैठे हैं मंच पे हमारे साथ सामने, इससे भी ज्यादा लोग हमें आज अपने पार्टी कार्यालय में दिखाई दे रहे हैं। पूरा पार्टी कार्यालय भरा हुआ है, आज कहीं जगह खाली नहीं है, सड़क पे भी लोग हैं जो आ नहीं सकते थे अंदर। हमें तो ये डर लगता है कि बुलडोजर सरकार कहीं इधर न देख ले पार्टी काले की तरफ। और साथ ही साथ हमें खुशी है इस बात की कि किन्नर समाज के जो पहले भी पार्टी से संबंध रहा, हम लोगों ने सहयोग करने का काम किया, लेकिन उस समय प्रशासन ने इनकी बड़े पैमाने पे बेईमानी की, जनता इनको सम्मान देना चाहती थी, ये उस सम्मान के पद पर नहीं बैठ पाई। हम आपको भरोसा दिलाते हैं, आज जब आप उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी से जुड़े हैं, आपको प्रकोष्ठ का अध्यक्ष भी बनाया गया है, प्रकोष्ठ भी का भी गठन होगा, और हमें उम्मीद है कि आप अपने समाज के लोगों को जोड़ करके उनकी समस्याओं को समझते हुए उनका क्या समाधान होगा वो समय समय पर सुझाव देंगे, जिससे कि हम आपके समाज में भी अच्छा काम करके दिखाएं। जहां से पार्टी की विजय होनी शुरू होनी है, मुख्यमंत्री जी इसलिए बनाए गए थे कि उत्तर प्रदेश का विकास हो, उत्तर प्रदेश खुशहाली के रास्ते पर जाए, लेकिन जिस तरीके से 4.5 साल में उत्तर प्रदेश में काम हुआ है, भेदभाव से काम हुआ है, जात को धर्म को देख करके काम हुआ है, और जिस तरीके से अंग्रेज भारत में आए थे और उन्होंने एक ही नारा दिया, उस नारे को उन्होंने अमल किया, डिवाइड एंड रूल कर करके जिस तरीके से वो राज करते रहे, उसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी आज डरा करके लोगों को मार करके राज करना चाहती है। अंग्रेज अगर डिवाइड एंड रूल करके राज कर रहे थे तो भारतीय जनता पार्टी डरा करके मार करके राज करना चाहती है, लेकिन जनता समझ गई है आने वाले समय में यही जनता भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाने का काम करेगी। जो बांटने का काम कर रहे हैं, जो नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं, अगर कोई बात हो, अच्छी भी बात हो, उसमें से अगर कमी निकालने का काम कोई कर रहा है तो वो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और हमारे मुख्यमंत्री तो कमाल के मुख्यमंत्री हैं,
अभी तक बिजली के कारखाने का नाम नहीं रट पाए हैं। वो सुनने में आया है कि अकेले में अब प्रैक्टिस कर रहे हैं, अकेले बैठ करके प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन अभी भी बिजली कारखाने का नाम रट नहीं पाए हैं। और बार बार अखबारों में ये छपवा देते हैं कि बहुत जल्दी आपको टैबलेट मिलने वाली है। जो 4.5 साल से टैबलेट टैबलेट बोल बोल करके अभी तक टैबलेट नहीं दे पाए, स्मार्टफोन देने की बात कर रहे हैं, लैपटॉप देने की बात कर रहे हैं, डाटा फ्री की बात कर रहे हैं, वाईफाई दे देंगे उसकी बात कर रहे हैं। जो सरकार 4.5 साल में अपने संकल्प पत्र पर काम न कर रही हो, उस सरकार पर कौन भरोसा करेगा? जो जनता के बीच में संकल्प रखा था कि जनता का भरोसा जीतने के लिए, जनता का विश्वास जीतने के लिए, लेकिन सरकार आने के बाद उन्होंने अपना घोषणा पत्र संकल्प पत्र खोल करके नहीं देखा। जब हम लोग बचपन में थे तो केमिकल और टेबल हुआ करती थी, एलिमेंट टेबल, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये रटते थे हम लोग। इसीलिए रटते थे कि परीक्षा में पास हो जाएं। अब जनता को परीक्षा लेनी है सरकार की, बताओ हमारे बाबा मुख्यमंत्री जी परीक्षा में पास होंगे? इस बार जनता ने मन बनाया इनको फेल करने के लिए, और इसलिए फेल करने के लिए कि सवाल आज बेरोजगारी का है, आज छटनी का है, बेकारी का है, पेपर लीक का है, लाठी चार्ज का है, भर्ती स्टे का है, आज महंगाई महंगी पढ़ाई हुई है, अपमानित शिक्षक हुए, भटकते शिक्षा मित्र हैं, दुखी युवा है, किसान के लिए कीले गाड़ी गई, लखीमपुर कौन भूल जाएगा कि जीप चढ़ाई गई, जुल्मी जीप जिसने जान ले ली, अनाथ पशु आज भी घूम रहे हैं, पराली मुकदमे वापिस हुए लेकिन सरकार ने अभी तक किसानों की पराली का इंतजाम का कोई ठोस फैसला नहीं लिया, आज मजदूर गरीबी से मर रहा है, नदियां जो साफ होनी थी आज भी नदियां गंदी हैं, भटकते गोवंश, गड्ढा सड़कें, पानी का प्यास अभी भी सरकार नहीं बुझा पाई है, और सरकार की समय पर बत्ती गुल है अभी। कोरोना कैसे भूल जाएगा कोई? वो ऑक्सीजन की कमी, वो तैरती लाशें, उधड़े शव, बीमार अस्पताल, बद इंतजामी कौन भूल जाएगा? और जब लाशें जल नहीं थी शमशान घाट में, तो यही सरकार थी अपनी नाकामी छिपाने के लिए टीन लगा रही थी, दोगुनी महंगाई, आधी कमाई, महंगी थाली, महंगी बिजली, पेट्रोल डीजल, खाद तेल, बेकारी, ठप व्यापार, नोटबंदी, इन्होंने नोटबंदी में लाइन में लगाया, दवाई के लिए लाइन में लगवाया, अस्पताल में बेड मिल जाए उसके लिए लाइन में लगवाया, और आज किसान डीएपी और खाद के लिए लाइन में लगा है, और समय आएगा कि उत्तर प्रदेश की जनता लाइन में लग करके भारतीय जनता पार्टी को हटाने का काम करेगी। और वो बातें भूल जाइए, बोलो बुलडोजर वाली, न ये बुल संभाल पा रहे हैं न बुलडोजर संभाल पाएंगे। इसलिए मैं एक बार फिर आदरणीय गणेश शंकर पांडे जी का, कौशल तिवारी जी का, विनय शंकर तिवारी जी का, और इनके जितने भी सहयोगी साथी आए, इनके परिवार के सदस्यों का, आए हुए सभी समर्थकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं, बहुत बहुत बधाई देता हूं। आपके आने से उत्तर प्रदेश का माहौल बदला है, लोगों के मन में विश्वास बढ़ा है कि अब भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश से सफाया हो जाएगा। अच्छा चौबे जी, जय चौबे जी का भी मैं बहुत बहुत बधाई और स्वागत करता हूं। साथ ही साथ जिन साथियों का नाम छूट गया हो, क्योंकि अध्यक्ष जी नाम ले चुके हैं, मैं सबका इस मंच से स्वागत करता हूं, बधाई देता हूं। जो साथी कमरे में नहीं आ पाए, हॉल में नहीं आ पा रहे, जो बाहर देख रहे होंगे कार्यक्रम, उनका भी मैं स्वागत भी करता हूं, उन्हें बधाई देता हूं कि आज समाजवादी पार्टी में आकर के आपने समाजवादी पार्टी की लड़ाई को और मजबूत बनाने का काम किया। निषाद सेना के अध्यक्ष आनंद निषाद जी का भी बहुत स्वागत, बुंदेलखंड सेना के
हमारे नुमानी जी हैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद बधाई श्रीमती रुक्मिणी जी के साथ, और जो संजय क्या नाम उनका है साथ जो आपके साथ आए, तो जितने भी साथी इनके साथ आए हैं निषाद समाज के जो आज पार्टी में शामिल हो रहे हैं, मैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जी अभी बुला लेंगे उन्हें। नहीं नहीं आज उनसे सवाल मत पूछिए, सवाल हमसे पूछिए। नहीं नहीं इम्पोर्टेंट है तब भी हम ही इम्पोर्टेंट बताएंगे। जी 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 पूछ लो, तुम भी पूछ लो पत्रकार बन के सवाल। बोल देने बोल देने, कुछ नहीं। 2016 में गोरखपुर विश्वविद्यालय में आए थे कार्यक्रम में, और मैंने आपका फ्लीट रोका था, सुरक्षा कर्मी द्वारा बहुत दूर से कहा गया, लेकिन बावजूद आपने कहा कि इस लड़की को आने दो। आपके बगल में माननीय राजस्थान सिंह जी बैठे हुए थे। सर संसद में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने एक नहीं पचासों बार ये कहा होगा कि गोरखपुर विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा मिलना चाहिए, और हमने ये गुहार भी लगाई थी, लेकिन मुख्यमंत्री बनने के बाद 5 साल के अंदर उन्होंने महाराणा प्रताप शिक्षण परिषद का उद्धार किया, लेकिन उस गोरखपुर विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा नहीं दिया। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मैं ये निवेदन करूंगा कि अगर उत्तर प्रदेश में हम पूर्ण बहुमत की सरकार बनाते हैं तो आपके मातहत ये आगे बढ़ेगा और संसद से गोरखपुर विश्वविद्यालय। ठीक है, इनका सुझाव अच्छा है, और ये भेदभाव करने वाले लोग कभी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी नहीं बनने देंगे। आपको हम भरोसा दिलाते हैं कि इसका प्रस्ताव समाजवादी सरकार बनते ही भेज दिया जाएगा, जिससे कि वहां पर सेंट्रल यूनिवर्सिटी बने। और जो आपने अभी विधायक जी विनय शंकर तिवारी जी ने जो बात उठाई कि किस तरीके से भेदभाव हुआ है यूनिवर्सिटी में, किस तरीके से अस्पताल में भेदभाव हुआ है, मेडिकल कॉलेज में भेदभाव हुआ, ये भेदभाव वाली सरकार है, नफरत फैलाने वाली सरकार है, खाई पैदा करने वाली सरकार है, एक दूसरे को लड़ाने वाली सरकार है। इसलिए सावधान रहें इन लोगों से, और हम सब लोग मिलकर के इनको हटाने का काम करें। और अब तो समाजवादियों के साथ सब अंबेडकरवादी भी बैठ गए आके, तो अंबेडकरवादी और समाजवादी जब मिल जाएंगे तो भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश से सफाया होना निश्चित, क्योंकि आज सबके हक छीने जा रहे हैं, सबका सम्मान छीना जा रहा है, सबको डराया जा रहा है। उत्तर प्रदेश की सरकार पर सवाल खड़े हुए हैं, और एकाध घटना नहीं, 150 नहीं, जिस समय जांच होगी उस समय आपको जानकारी मिलेगी किस तरीके से पुलिस को खुली छूट देकर के सरकार ने अपने सारे पर ये घटनाएं कराई हैं। और उसका परिणाम यह है कि नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ने सबसे ज्यादा नोटिसेस सरकार को दी हैं, न केवल नोटिस दी है बल्कि सरकार को पेमेंट भी करना है कुछ जगह पर, और कस्टोडियल डेथ भी सबसे ज्यादा हुई। कोई कल्पना कर सकता है कि मुख्यमंत्री जी के क्षेत्र में कोई जाए कारोबार और घूमने के लिए, वो व्यापारी अगर होटल में है तो पुलिस जाकर के घुस जाएगी और इतना मारेगी कि जान चली जाएगी। क्या एक घटना नहीं है ऐसी? उत्तर प्रदेश की तमाम ऐसी घटनाएं हैं जहां पर सरकार के ऊपर प्रश्न लगा हुआ है। अभी मैं बांदा गया था, एक ब्राह्मण परिवार का बेटा केवल सब्जी लेने गया, बाद में पता लगा परिवार उसकी जान चली गई, और अभी भी उस परिवार को न्याय नहीं मिला। उसकी मां रो रही, गिड़गिड़ा रही, धरने पे बैठी सीबीआई जांच के लिए, लेकिन सरकार स्वीकार नहीं कर रही। मैंने उस परिवार से खुद कहा कि आप भूल जाइए इस बात को, ये न्याय देंगे आपको, समाजवादी सरकार बनेगी, हम आपको न्याय दिलाने का काम करेंगे। बताओ छोटा बच्चा किसी परिवार का अगर चला जाए बाजार में सामान लेने, सब्जी लाने, फल लाने, और घर न लौटे, तो सोचो कैसा परिवार पे गुजरेगा, उसके माँ बाप पर कितना संकट है दुख का। इसीलिए मैंने कई बार कहा आपसे कि परिवार वाले ही दुख समझ सकते हैं परिवार वालों का, जिनके पास परिवार नहीं है वो दुख नहीं समझ सकते। क्या वो गर्भवती मां जो चल करके आई थी लॉकडाउन के समय पर, बेटी पैदा हुई तब भी वो घर पहुंची पैदल चलते चलते, क्या सरकार नहीं मदद कर सकती थी?
इसलिए इस बार उत्तर प्रदेश की जनता ने मन मनाया इनका सफाया होगा। ये केवल इनकाउंटर नहीं, न जाने कितने आरोप हैं सरकार पर। अभी हमारा मैनिफेस्टो आ जाने दो, मैनिफेस्टो में बहुत सारी चीजें रहेंगी और इसलिए रहना जरूरी है कि आप बताइए क्वेश्चन पेपर लीक हो रहा, परीक्षा नहीं हो पा रही, जांच कहां होगी, कोई एसआईटी करेगी, एक ही तरह की जांच, एक ही जगह जांच, कौन भरोसा करेगा इस सरकार पर। जो समाजवाद है वही अंबेडकरवाद है, जो अंबेडकरवाद है वही समाजवाद है, क्योंकि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी दोनों ही जाति उसको तोड़ना चाहते थे। एक मिनट, इनका सवाल हो जाए। दिल्ली से गोरखपुर की दूरी लगभग 800 किलोमीटर है और ये एक पत्रकार के सवाल के साथ साथ तमाम गोरखपुरवासियों का सवाल है। लखनऊ से दिल्ली जाने में ज्यादा समय नहीं लगता है क्योंकि बीच में पड़ता है आगरा से लखनऊ एक्सप्रेस वे। गोरखपुर वालों का सवाल ये है कि क्या जिस तरह से आगरा से लखनऊ एक्सप्रेस वे बना है, क्योंकि बहुत ही ज्यादा तकलीफ है और एक राम जानकी मार्ग है। ठीक है, मैं समझ गया। अरे नहीं, बैठा नहीं, यंग ए नया पत्रकार है, बोल ले तो भाई। हाँ ठीक है, मैं समझ गया बात को। ठीक है, ठीक है, मैं बात समझ गया। मैं दोनों बातों का जवाब देता हूँ आपकी। मुझे याद है कि बाबा मुख्यमंत्री जी सरकार बनते ही झांसी चले गए थे। बाबा मुख्यमंत्री जी सरकार बनते ही सबसे पहला दौरा झांसी हुआ उनका, और वो झांसी में जाकर के खड़े होकर के कहा कि झांसी से सीधा दिल्ली के लिए हम एक्सप्रेसवे बनवा देंगे। लेकिन हमारे बाबा मुख्यमंत्री जी को ये नहीं पता था कि झांसी के बाद मध्य प्रदेश आ जाता है, मध्य प्रदेश के बाद फिर उत्तर प्रदेश आता है। जो गोरखपुर की बात की है, मैं अपने नौजवान साथियों, गोरखपुर और पूर्वांचल के लोगों को भरोसा दिलाता हूं, समाजवादी सरकार थी तो कोशिश थी कि लखनऊ के किसी कोने से, किसी जिले से कोई अगर लखनऊ आना चाहे तो वहां के लोगों को 4.5 घंटे से ज्यादा समय लखनऊ पहुंचने में नहीं लगना चाहिए। इसीलिए लगातार एक्सप्रेसवे और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स को 4 लेन से जोड़ा जा रहा था। मैं भरोसा दिलाता हूं कि एक्सप्रेसवे बन रहा है, उस एक्सप्रेसवे की गुणवत्ता आगरा लखनऊ से भी बेहतर होती, लेकिन हमारे बाबा मुख्यमंत्री क्योंकि जानते नहीं है कुछ चीजें, इसलिए उन्होंने एक्सप्रेसवे की गुणवत्ता गिरा दी है, खराब की है। गोरखपुर के लिए सड़क बन जाएगी और एक्सप्रेसवे जिस तरीके से जुड़ रहा है उससे जोड़ने का काम करेंगे। दूसरा, इन्होंने कहा राम जानकी मार्ग। अगर आपको याद हो तो एक बस यात्रा चली थी और वो यात्रा बस चल रही कि नहीं चल रही, जो नेपाल बॉर्डर से चलती थी, और उस समय मैंने मांग की थी कि जिस यात्रा में लोगों की आस्था जुड़ी है, भरोसा जुड़ा है, लोग परंपराओं से जुड़ना चाहते हैं, हमारी धार्मिक यात्रा करना चाहते हैं, उस सड़क को 6 लेन बनना चाहिए, 6 लेन। मैं आज भी मांगता हूं और इस नौजवान जो पत्रकार है उससे जुड़ता हुआ कहता हूं कि सरकार को इसकी बात सुननी चाहिए, हमारी न सुने, और हमने नहीं सवाल इससे पूछवाया, अपने आप इसने सवाल किया है। वो तो बात इसके सवाल से मुझे याद आ गई है कि कम से कम नेपाल को जोड़ने वाली सड़क जिसकी समाजवादी पार्टी ने मांग की थी कि 6 लेन बनना चाहिए, दिल्ली में यूपी में उनकी सरकार है, डबल इंजन की सरकार, कब इस मार्ग को 6 लेन बनाएगी ये बता दें। कौन बोल रहा है ये? उनका घर चेक करो, अभी भी लाल टोपी मिल जाएगी और हो सकता है छिपा के रखी हो उन्होंने कि कब पार्टी बदलनी पड़ जाए। इसलिए बाबा मुख्यमंत्री जी को सावधान रहना चाहिए, जेब में रखे लाल टोपी मिल लेना चले जाए उनसे। सरकार के द्वारा विज्ञापन जारी कराया जा रहा है जिसमें लाल टोपी पहले व्यक्ति को दिखाया जाता है
और ये बताया जाता है कि 17 के पहले और बाद में क्या फर्क है, तो लाल टोपी वाले व्यक्ति के बारे में जो दिखाया गया है आप कहेंगे? देखिए ये लाल टोपी का सवाल नहीं है, सवाल मैंने अभी तुम्हें आपको पढ़ के सुनाया, मैंने मुद्दे क्या है, क्या फरार कप्तान समाजवादी सरकार में हुआ था, क्या फरार कप्तान पकड़ा गया आज, हमें आप बताओ फरार कप्तान पकड़ा गया कि नहीं पकड़ा गया? इस सरकार ने झूठे मुकदमे लगाए, झूठी जांच कर रही सरकार, इनका झूठा प्रचार है, इनके वादे जुमले हैं, इनके पास झूठ का फूल है, अत्याचार इनकी सरकार में, उत्पीड़न इनकी सरकार में, झूठे इनकाउंटर, झूठी हत्याएं कितनी हुई सरकार में बताइए आप। इसलिए जनता इनको हटाना चाहती है, सवाल रंग का नहीं है, सवाल किसी टोपी का नहीं है, ये बहस को बदलना चाहते हैं, लेकिन सवाल यह है कि किसान की आय दोगुनी होगी कि नहीं होगी। अकेले लखनऊ में 700 से अधिक अपहरण के कांड हुए हैं, कानून व्यवस्था की बहुत बातें होती हैं, इस पर क्या कहते हैं? एनसीआरबी का डाटा ये कहता है कि उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था ध्वस्त हुई है, और मुझे खुशी है इस बात की, जिस समय डीजीपी मीटिंग हुई थी यहाँ पे, देश के डीजीपी आए थे, वो आश्चर्यचकित थे कि कैसी बिल्डिंग बन सकती है, एक पुलिस हेडक्वार्टर ऐसा भी बन सकता है, और सुनने में ये आ रहा है कि किसी को इतना पसंद आया कि सबसे ज्यादा समय उन्होंने वहीं गुजारा, कोई रात में सोया भी वहां पर। तो सोचो समाजवादियों की कितनी बड़ी देन है, एक स्ट्रक्चरल चेंज जो रिस्पांस सिस्टम न्यूयॉर्क का था वो दिया है, आप क्या उम्मीद करोगे बाबा मुखेंदी जी से, जो अभी तक बैल नहीं पकड़ पा रहे, अभी आगरा में गए बैल आ गया उनके सामने, वो मिलने आया था कि नमस्कार करने आया था मुझे यही नहीं पता। कभी सवाल ये भी तो उठाया करो कि बताओ बाबा मुखेंदी जी से मिलने कोई आया आगरा में, कौन आया था मिलने? आप मत बोलिए बैल, आवाज चलेगी तो आप पे भी केस हो जाएगा। सवाल 2017 में भी समाजवादी पार्टी की जीत जो है निश्चित दिखाई दे रही थी, लेकिन जब परिणाम आए तो आशा के विपरीत आए। नहीं नहीं इस बार जीत रहे हैं, छोड़िए अब जीत रहे हैं, इस बार छोड़िए, अब कोई सवाल नहीं है, ये सरकार बनने जा रही, आपको गिनती पूछना चाहिए, गलत सवाल पूछ लो, ये इनका सवाल पूरी तरीके से गलत है, इन्हें पूछना चाहिए कि 300 से ऊपर सीटें जीत रहे हो कि नहीं जीत रहे हो, बिल्कुल गलत है सवाल आपका। क्या चीज फिर बताऊं मैं आपको, सवाल यह है कि जो हाथ में आपके है स्मार्टफोन, ये मिलेगा कि नहीं मिलेगा? ये उत्तर प्रदेश के नौजवान इंतजार कर रहे हैं टैबलेट का, क्या ये सरकार अभी तक टैबलेट देती रहेगी? और सुनने में ये आ रहा है ये चीन से मंगा रहे हैं सब सामान, ये सवाल ये है कि चीन का सामान मंगा के देंगे क्या? ये कपड़े के, नमक के, जूतों का, हर कीमत बढ़ रही, जब जीएसटी लग जाएगी, जब डीजल पेट्रोल महंगा हो जाएगा, तो सब कीमतें बढ़ेंगी कि नहीं बढ़ेंगी? इसीलिए मैंने कहा कि आधी कमाई हो गई है और महंगाई दोगुनी है, अगर कमाई आधी होगी और महंगाई दोगुनी होगी तो खुशहाली कैसे आएगी? आप लोगों का जो वेतन कटा है पत्रकार साथियों का, वो भी अभी तक नहीं बढ़ पाया है। ये गरीब जानता है, पहले ये राशन बांटने का कार्यक्रम नवंबर तक था, आपको अच्छी तरह पता है कि ये जो गरीबों को अनाज बांटने का कार्यक्रम नवंबर तक था, और अब इन्होंने मार्च तक कर दिया है। आज भी अखबारों में बड़ा बड़ा विज्ञापन है, और विज्ञापन में ये कहा गया कि मार्च तक है, ये मार्च तक इसीलिए है क्योंकि ये जानते हैं कि मार्च के बाद चली जाएगी सरकार इनकी, अब मार्च के बाद तो समाजवादियों को देना है, इसलिए गरीबों का खाना, बच्चों के लिए मॉडर्न किचन कैंटीन, और जिस तरीके से गरीबों के लिए खाना कैंटीन में मिलना शुरू होना था, जो मजदूरों के लिए अच्छा खाना, पौष्टिक खाना देने का इंतजाम किया गया था,
दोबारा समाजवादी सरकार बनेगी तो गरीबों को मुफ्त भी खाना देना पड़े, कैंटीन बनानी पड़े तो बनाने का काम समाजवादी लोग करेंगे। साथ ही साथ गरीबों का जिस तरीके से अनाज का पैकेट बुंदेलखंड में बांटा गया था, जिसमें घी भी था, सरसों का तेल भी था, याद कीजिए, सरसों का तेल भी था, घी भी था और मिल्क पाउडर भी था, वो भी दे रहे थे। तो गरीबों को जब तक न्यूट्रिशनल पौष्टिक आहार नहीं मिलेगा, ये केवल बस दे देना चाहते हैं। अरे पूछ लेने तो भाई, तुम्हारा सवाल बहुत पहले था, इन पूछ लेने। तिवारी परिवार का एक पूरा कुनबा शामिल हुआ है, इसके पूर्व आपने और संतोष पांडे जी ने भी कहा था कि समाजवादी पार्टी परशुराम जी की प्रतिमा लगवाएगी, ये प्रतिमा चुनाव के पहले लगेगी या समाजवादी सरकार बनने के बाद? भगवान परशुराम जी का सम्मान करेंगे और हमारे तमाम मंच पे बैठे नेता और सब लोग सहमत हैं, सरकार से पहले भी होगा उनका पूजा पाठ और जो भी करना होता है, और सरकार के बाद भी होगा, सरकार से पहले और बाद दोनों में टाइम होगा। आपको झूठ बोलने वाला ढूंढना है कहीं? मैंने आपसे कहा कि बहुत सारे उलझा दिए गए हैं, नौकरी जिस तरीके से परीक्षाएं होनी चाहिए थी, परीक्षाएं नहीं हुई हैं, तमाम नौकरियों को उलझा दिया गया है। समाजवादी सरकार बनेगी तो सभी विभागों में और सभी जो नौकरियां रद्द हुई हैं या पेपर लीक हुआ है उनको करा करके नौजवानों को नौकरी देने का काम होगा। तमाम शिक्षा विभाग में, चाहे वो 69,000 वाले बच्चे हों, चाहे टीटी वाले बच्चे हों, शिक्षा मित्र वाले हों, बीएड वाले हों, टीटी वाले हों, इन तमाम बच्चों की समस्या का समाधान करने का काम समाजवादी सरकार में होगा और वो घोषणा पत्र का इंतजार करिए। हमें तो एक ही बात, हमारी जानकारी में एक ही चीज की है कि इन्हीं के लोगों ने, बीजेपी के लोगों ने ही बीजेपी के नेता को पैदल पैदल चला दिया, वह इतना हमें पता है। तो जब जब चार गाड़ी पे चलने वाले अपने ही मुख्यमंत्री को पैदल कर देंगे तो सोचो क्या होगा। अच्छा एक बात तो मानोगे नहीं, और मैं तो आपसे चाहूंगा कि बहस करिए, कल सरयू वाली योजना थी, आपको आंकड़े निकालने चाहिए और 12 से लेकर 17 तक कितना काम हुआ, और आपको ये बताना चाहिए कि सच कौन बोल रहा है। इसलिए उत्तर प्रदेश की जनता अन्नदाता को, अन्नदाता के परिवार में खुशहाली कैसे आए, किसान हमारा खुशहाल कैसे हो, सवाल यह है कि किसान की आय दोगुनी नहीं हुई, ये किसान की आय दोगुनी का वादा किसने किया था, क्या आप जानते हैं किसने वादा किया था? आप सब जानते हो कि किसने वादा किया था। आज की महंगाई में जब खाद नहीं मिल पा रही है, डीएपी नहीं मिल पा रही है, पैदावार बढ़ेगी नहीं, सब चीजें बाहर से लाई जा रही हैं, तो किसान की आय कैसे दोगुनी होगी? ये जवाब न पूछ ले, इसका ये सवाल जनता न कर दे, इसीलिए काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, और काशी विश्वनाथ कॉरिडोर भी अगर किसी ने कैबिनेट में पास किया था तो शुरुआत किसी की थी तो समाजवादी सरकार की थी, वो भी हम डॉक्यूमेंट दे देंगे आपको, क्योंकि इस बार तो डॉक्यूमेंट के साथ बात करनी है, बिना डॉक्यूमेंट के बात नहीं होगी। अब कोई ये सब कार्यक्रम इसलिए हो रहे हैं, आप बाला कि किसानों की पैदावार की और उनकी आय का दोगुना पैसा सरकार को न देना पड़े, जो कानूनी हक नहीं दे सकते एमएसपी के लिए, एमएसपी के लिए कानूनी हक नहीं है, वो इंतजार होना, इसलिए हम कह रहे हैं आपको जानबूझ करके ध्यान हटाने के लिए ये सब मुद्दे उठाए जा रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को वो टेक्नोलॉजी या इलेक्शन कमीशन के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं उनको ये जिम्मेदारी होनी चाहिए, पॉलिटिकल पार्टीज काम नहीं कर सकती, पॉलिटिकल पार्टीज तो जानकारी और सूचना दे सकती हैं, ये जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन की है
कि समय पर जिन लोगों के वोट बढ़े हैं, जिन लोगों के वोट कटे हैं, वो जानकारी मिल जाए पॉलिटिकल पार्टीज को, और जो डबल फुट बने हुए वोट, किसी का ट्रिपल वोट है, किसी का पांच जगह वोट है, अब पॉलिटिकल पार्टीज कैसे पता करेंगे? क्या टेक्नोलॉजी है? नाम हो सकते हैं ज्यादा, फादर नाम, नाम कैसे होगा उससे जुड़ा होगा, फोटो कितनी की कैसी कैसी मिलाई गई होगी। अगर फोटो के आधार पर, फोटो के पहचान के आधार पर इलेक्शन कमीशन को कोई टेक्नोलॉजी हो, कोई इस तरह की व्यवस्था हो जिससे पता किया जा सके कि कितने लोगों ने डबल ट्रिपल वोट बढ़ाए हैं, उसकी जानकारी पॉलिटिकल पार्टीज को भी देनी चाहिए, और जिनके ज्यादा वोट बन गए उनके वोट कटने चाहिए, और जो कटे हुए वोट हैं उनकी जानकारी अगर पॉलिटिकल पार्टीज को मिल जाएगी तो वो जानकारी देंगे जिससे कि उनके वोट भी जुड़ जाएं। सर, देयर इज अ टफ फाइट बिटवीन समाजवादी पार्टी एंड बीजेपी नाउ, हाउ डू यू सी द बीएसपी एंड कांग्रेस, बिकॉज उनको बिल्कुल कॉर्नर। देखिए, अब टफ फाइट नहीं है, अब ये लड़ाई एक तरफा है। एक तरफा उत्तर प्रदेश की जनता ने मन बनाया कि भारतीय जनता पार्टी को हटाना है, और उसका परिणाम ये है। देखिए, आज विनय शंकर तिवारी जी बैठे हैं, हमारे कुशल तिवारी जी बैठे हैं, पूर्व सभापति जी बैठे हैं, यहाँ तमाम जिम्मेदार लोग बैठे हैं, ये किन्नर सभा की आज अध्यक्ष बन गई प्रदेश की, आज से ये भी निकल पड़ेंगी। तो ये जो जन समर्थन दिखाई दे रहा है और जो जनता चाहती है बदलाव, उसको कौन रोक सकता है? छोटे दलों का कितना मेजर रोल होगा, चाहे आम आदमी पार्टी को आप ले लीजिए या अन्य और दल ले लीजिए, क्योंकि काफी लोग अभी तो हमें ये है कि हमारी पार्टी अकेले कितने लड़ ले, कितने सहयोगी दलों को जोड़ लें, कितने अपने क्षेत्रीय दलों को साथ ले लें, अभी इस बात की बात है। जो जनता की भावना ये है कि भारतीय जनता पार्टी को जनता हटाना चाहती है।